बॉलीवुड में आईपीएल के सट्टेबाजों पर एक्शन जारी है। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, 3 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया के, ये बड़ी जानकारी, जहां पर आरोपियों से 14 लाख कैश भी बरामद किया गया के। पहले भी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब तक 33 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। पुलिस के कई जिलों में जुड़े सट्टोरियों के तार, तो प्रदेश के कई जिलों में सट्टोरियों के तार जुड़े हुए हैं और हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र में कार्रवाई हुई है। सर्विलांस सेल और क्राइम ब्रांच की तरफ से ये कार्रवाई की गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित गंजू हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, और क्या जानकारी खबर को लेकर? देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 24 घंटे से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अगर बात की जाए 24 घंटे पूर्व की, तो उन्हें यहाँ के कमिश्नर अखिल कुमार को इनपुट मिला था कि कानपुर में आईपीएल को लेकर सट्टा चल रहा है। कानपुर के एक 4-स्टार होटल मेफेयर में जब 103 नंबर कमरे में पुलिस घुसती है तो पुलिस के भी होश फाकता होते हैं। वहां ऑलरेडी 3 आदमी लैपटॉप ऑन करके ऑपरेशन कर रहे थे, जिसमें मनी का ट्रांजेक्शन दर्शाया जा रहा था। ऐसे में होटल के अंदर बेड पर पड़े 19,60,900 कुछ रुपए सामने आए। इसके बाद पुलिस ने उन 3 से जब कड़ाई से पूछताछ की तो और 3 लोगों का नाम सामने आया, जिनको फिर कड़ाई से पूछताछ उनके पास 14 लाख करीब, यानी 24 घंटे में 33 लाख रुपया सामने आ चुका है। होटल के 2 कमरे ऑलरेडी जिसमें ये काम कर रहे थे वो, और इसके अलावा कानपुर आगरा और अन्य जनपदों भी फिलहाल अभी तार जुड़ते दिख रहे हैं। अगर हम क्राइम ब्रांच के सूत्रों की माने तो टीम कल यहां से रवाना देर रात हो गई है। ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और भी लोग इसमें जुड़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुछ सफेद पोशों का भी नाम सामने आ रहा है, कुछ बड़े व्यापारी भी हैं, कुछ पत्रकारों का भी, तथाकथित पत्रकारों का भी नाम सामने आया। पुलिस अभी सब चीजें डिस्क्लोज नहीं करी, क्योंकि अखिल कुमार की नेतृत्व में जो टीम बनी है 17 लोगों की, ये उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों के लिए रवाना हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका अमित गंजू। मिशन 400 पार को साकार करने में जुटी बीजेपी ने कल अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी होने के बाद अब विपक्ष को घेरने की तैयारी है। बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री समेत अन्य बड़े नेता आज सभी 75 जिलों में कार्यक्रम करेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र के बारे में बताएंगे और पिछले 10 सालों में हुए कामकाज का लेखा जोखा भी पेश करेंगे। इसी कड़ी में सीएम योगी बीजेपी दफ्तर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पार्टी के घोषणा पत्र की जानकारी देंगे। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ में रहेंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मुरादाबाद में रहेंगे, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कानपुर में संकल्प पत्र की जानकारी लोगों को देंगे। बीजेपी के मिशन 400 पार के लक्ष्य को साकार करने के लिए सीएम योगी लगातार मेहनत कर रहे हैं। यूपी के साथ साथ अन्य राज्यों में भी सीएम योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम योगी बिहार के चुनावी दौरे पर रहेंगे और बिहार में 2 जनसभाएं करेंगे। पहली जनसभा औरंगाबाद में होगी, दूसरी जनसभा नवादा में होगी। आपको बता दें, चुनाव प्रचार के लिए सीएम योगी की दूसरे राज्यों में भारी डिमांड है। तो आज बिहार में 2 जगह पर गरजेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हुंकार भरेंगे, 2 जगहों पर जनसभा रहनी है। औरंगाबाद और नवादा में सीएम योगी की जनसभा होगी, बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट की अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव के रण में आज कई वीआईपी उम्मीदवार पर्चा भरेंगे। मैनपुरी सीट से बीजेपी उम्मीदवार मंत्री जयवीर सिंह नामांकन भरेंगे और इस मौके पर एमपी के सीएम मोहन यादव, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहेंगे। उधर केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल आगरा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। बदायूं सीट से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव आज दाखिल करेंगे नामांकन। उधर कासगंज में राजवीर सिंह उर्फ राजू भैया भी पर्चा दाखिल करेंगे। नामांकन में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। वहीं फिरोजाबाद में एसपी प्रत्याशी अजय यादव नामांकन भरेंगे। इस मौके पर
रामगोपाल यादव भी मौजूद रहेंगे। बरेली में बीजेपी प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार और आंवला से बीजेपी प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप भी पर्चा भरने वाले हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी में भी चुनावी बिगुल फूंक दिया है। कल सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के बाद आज मायावती पीलीभीत और मुरादाबाद में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाली है। दोनों सीटों पर रैली कर बीएसपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगी और आज भी मायावती की दो रैलियां रहेंगी जहां पर जनसभा को मायावती संबोधित करेंगी। तो मायावती की आज भी कल की तरह दो रैलियां रहने वाली है पीलीभीत और मुरादाबाद में। दोनों जगहों पर बसपा के प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगी, पीलीभीत में भी रैली करेंगी, प्रचार करेंगी